ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगने की खबर है। खबर है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की क्रिकेट में वापसी में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शमी को नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी NCA में रिहैब के दौरान घुटनों में सूजन आ गई है और वो अगले 6 से 8 सप्ताह तक बाहर रह सकते हैं। ये नई चोट ऑस्ट्रेलिया में आगामी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत की योजनाओं के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है, जो 22 नवंबर को पर्थ में शुरू होने वाली है। फरवरी में अकेलीज टेंडन सर्जरी के बाद से शमी NCA में है। शुरुआत में उनसे बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल होने और 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में भाग लेने की उम्मीद थी। हालांकि घुटने की चोट हाल ही में फिर से उभर आई है और इससे उन योजनाओं पर पानी फिर गया है। BCCI के एक सूत्र ने स्थिति पर टिप्पणी की और कहा कि BCCI की मेडिकल टीम चोट का आकलन कर रही है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग सकता है। यह झटका विशेष रूप से निराशाजनक है क्योंकि शमी ने नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के वनडे विश्व कप फाइनल हारने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। उन्हें शुरू में दिसंबर 2023 में भारत के दक्षिण अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचों के दौरे के लिए फिटनेस के अधीन चुना गया था, लेकिन BCCI से मेडिकल मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था। NCA की मेडिकल टीम 1 साल से अधिक समय से शमी के साथ लगन से काम कर रही है और इस हालिया घटनाक्रम को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। BCCI मेडिकल टीम उन्हें जल्दी ही मैदान पर वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है।